हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिगेंद्र वशिष्ठ लॉ क्लासेस की ओर से आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट वीडियो में लगभग 10 दिन पहले मैंने जो अपलोड किया था उसमें देखिए कहा था स्पष्ट कि अब सिविल जज और एडीपीओ की वैकेंसी आने वाली ही है, आप लोग तैयार रहिए। और देखिए वो हो गया आज 5 सितंबर 2020 को एमपी हाई कोर्ट ने ये विज्ञापन जारी किया है एमपी सिविल जज क्लास 2 के लिए। तो देखिए ये इसमें आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि 22 सितंबर 2020 है और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन के लिए वो है आपकी 5 नवंबर। अगर कोई त्रुटि होती है आपके एप्लीकेशन में तो 10 नवंबर डेट है उसके लिए, और त्रुटि में सुधार है तो अंतिम तिथि लास्ट डेट है 12 नवंबर। मतलब देखिए आपका एग्ज़ाम डेट जो है इन्होंने इसमें नहीं लिखा है, ऑनलाइन प्री एग्ज़ाम की जो डेट है वो बाद में अधिसूचित की जाएगी लिखा है। इसका मतलब कि वेबसाइट पर उसकी डेट 12 नवंबर के बाद आपको पता चल जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली देखिए दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, बस आप ये मान के चलिए। तो अभी सेप्टेम्बर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 3 महीने आपके पास बचे हैं। बस ये 3 महीने में इतनी अच्छी तैयारी करिए स्टूडेंट्स के आपका सिलेक्शन हो ही जाए। चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये इससे रिलेटेड मैंने विज्ञापन से रिलेटेड एक वीडियो डाला हुआ है, वैसे भी अपलोड है वशिष्ठ लॉ क्लासेस के चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है, पूरा डिटेल है। अब इस विज्ञापन को हम पूरा डिटेल नहीं देखेंगे, जो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस वही नोट करते चलेंगे। देखिए इसकी फ़ीस जो है वो 1122 रुपये की फ़ीस है अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स और मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के निवासियों आवेदकों के लिए। तो देखिए अब एक डाउट और जो स्टूडेंट्स के माइंड में था वो भी अब रिवील हो चुका है कि अभी एक घोषणा हुई थी मध्य प्रदेश शासन द्वारा कि यहाँ के जो एग्ज़ाम्स होंगे वो यहीं के एमपी के ही रेसिडेंट्स जो हैं उन्हीं के लिए होंगे, ठीक है, दूसरे जो है बाहर के लोग उसमें अपेयर नहीं हो पाएंगे। ऐसा सच कुछ आया था मध्य प्रदेश शासन द्वारा। तो देखिए अब वो रिवील हो गया है, तो अब आपके लिए बिल्कुल भी डाउट नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के जो भी एप्लीकेंट्स हैं वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में माने जाएंगे भले ही किसी भी कैटेगरी के वो हों। तो देखिए ये 1122 रुपये फीस उनके लिए है और 722 रुपये 16 पैसे ये रिजर्व कैटेगरी के और फिजिकली जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए है। चलिए अब उसके बाद इसमें फ़ीस के बारे में उन्होंने लिखा है कि थोड़ा सा परिवर्तन किया जा सकता है। तो देखिए ये इसलिए किया जा सकता वाली बात इस बार लिखी गई है इस विज्ञापन में, क्योंकि देखिए अभी कोरोना के कारण, कोरोना महामारी जो है इसके कारण एग्ज़ाम कंडक्ट करा पा रहे हैं यही बहुत है। तो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन की जाएगी, सैनिटाइजेशन वाली प्रक्रिया। तो इसका यदि अतिरिक्त खर्चा, यदि फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है शायद, तो फिर उसके लिए लिखा हुआ है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा चेंज हो ही जाए, आपकी जो 1122 रुपये फ़ीस है अनरिजर्व के लिए वही रहेगी, ठीक है, लेकिन यदि करना पड़ा तो किया जा सकता है। चलिए अब इसके बाद इन्होंने, और देखिए अब रिक्त पद, कुल रिक्त पद इस बार 252 है, बहुत बहुत ज़्यादा वैकेंसी। देखिए आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, 252 पोस्ट बहुत होती हैं, 252 पोस्ट बहुत होती है अनरिजर्व कैटेगरी के एप्लीकेंट्स के लिए। देखिए 102 वैकेंसी है, देखिए 102 पोस्ट है, और आपके एससी कैटेगरी के लिए 33 है और ओबीसी के लिए 29 पोस्ट है और एसटी कैटेगरी के लिए लगभग देखिए 88 एसटी के लिए। बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स, आप लोग इस बार अच्छी मेहनत कर लीजिए, सेलेक्ट हो ही जाएंगे। और देखिए स्पेशली एबल्ड के लिए तो वही 4% वाला जो है वही रहेगा।
चलिए आगे, ये सारा मैंने लास्ट वीडियो में, मैंने एक वीडियो, लास्ट वीडियो नहीं, इससे पहले एक वीडियो बनाया था मैंने, तो उस वीडियो में आपको मिलेगा। नियुक्ति 2 वर्ष के परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी, 1 माह का सूचना पत्र देने पर सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं, ये सारी चीज़ें वही है। क्या चेंज हुआ है बस वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा ये। पे स्केल भी लगभग वही है, देखिए कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आवश्यक अर्हता जो है वो देखिए, विधि स्नातक की उपाधि अंतिम तिथि तक प्राप्त कर लियो, मतलब देखिए जो फॉर्म आप भरेंगे प्री के लिए उसके लास्ट डेट तक आपको डिग्री मिल चुकी हो तभी आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज नहीं। और अच्छे चरित्र का रखते, ये सारी चीज़ें देखिए उस वीडियो में भी दी गई है। 21 वर्ष की आयु और 35 वर्ष तो ये भी है उसमें, और एज रिलैक्सेशन वाली बात, ये सारा डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ उस वीडियो में। मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक ज़रूर दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। अभी जो थोड़ा सा चेंज हुआ है बस वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस विज्ञापन में। देखिए डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होंगे, स्टूडेंट पर्सोनेशन, ये सब भी चीज़ें उसी में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। एक से अधिक पत्नियां जीवित हैं तो भी डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, पति पत्नी के लिए भी ऐसा है कि एक से अधिक पति जीवित है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देश और विधि, तो वही 5 नवम्बर की डेट है, देखिए 5 नवम्बर से आपके फॉर्म जो है वो 5 नवंबर तक भरे जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र रात को 11:55 तक भरे जा सकते हैं। आवेदक स्वयं अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ये देखिए 4 लिंक आपको मिलेंगे, एडवर्टाइजमेंट, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन एंड एडिट एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें फॉर्मल चीज़ें हैं। देखिए ये फॉर्मल है, आपको जो भी अच्छा लगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए कोई डिफ़िकल्टी यदि कोई है तो इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया गया है, आप उस पर भी कॉल लगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए उसके बाद आपका परीक्षा की योजना, तो देखिए ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन रहेगा, फिर मेंस एग्जाम एंड देन इंटरव्यू, ऑनलाइन जो है वो 150 नंबर का होगा, ये भी सब उसी वीडियो में बता चुका हूँ डिटेल, इस वीडियो में ज़्यादा टाइम अपन वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए अब ऑनलाइन परीक्षा का डेट जो है वो और स्थान के बारे में बताया गया है, तो देखिए एक या एक से अधिक शिफ्ट में भी ली जाएगी, यदि इनको जैसे ज़्यादा एप्लीकेंट्स हुए तो फिर वो एक या अधिक शिफ्ट में भी किया जा सकता है। परीक्षा की पालियां, दिनांक, समय एवं जिले बाद में अधिसूचित किए जाएंगे। इस बार सेंटर्स बढ़ा दिए गए हैं, देखिए जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना, उज्जैन आदि होंगे, तो यहाँ पर एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। अच्छा, प्रवेश पत्र तो आपके लिए देखिए एमपी हाईकोर्ट की जो वेबसाइट है वहीं से डाउनलोड करना पड़ेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको मेंशन करना पड़ेगी और आपको उसका प्रिंटआउट मिल जाएगा। ये देखिए सिलेबस जो है वो पिछले साल वाले ही है, सेम टू सेम है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का आएगा, ये देखिए मैंने इसको रोक दिया है वीडियो को, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, तो आपके लिए पूरी डिटेल और जानकारी फिर से मिल जाएगी। सब्जेक्ट्स वही हैं, सब कुछ वही है, थोड़ा सा जो चेंज है बस वही मैं आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा प्रक्रिया जो है तो वही है, देखिए सेम टू सेम वही है, नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग तो पहले भी नहीं था तो इसीलिए नेगेटिव मार्किंग वाला नहीं रहेगा, इन्होंने बताया गया स्पष्ट इसमें। देखिए 120 मिनट 2 घंटे में होंगे, 2 घंटे में आपका 150 क्वेश्चन्स आएंगे, उनके लिए अटैम्प्ट करना है, और 150 क्वेश्चन जो है मेरी देखिए आप सभी के लिए शुभकामनाएँ हैं। अरे 150 में से 150 लाइए, बहुत सरल पेपर होता है, बहुत सरल होता है, बस आप स्ट्रेटेजिकली तैयारी कीजिए, देखिए अच्छे रणनीति बनाकर तैयारी कीजिए, बहुत सरल पेपर लगेगा आपको, बस ऐसा ही कोई ऑब्जेक्शन वगैरह आएंगे तो ये ऐसे देखिए वो पूरा उस वीडियो में मिलेगा आपको पूरा डिटेल यदि चाहिए तो। अभी मैं इस वीडियो में आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा, जो चेंज हुआ है बस वही बताऊँगा, ठीक है। चलिए अब देखिए मेंस के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपके लिए प्री एग्जामिनेशन में जनरल और ओबीसी कैटेगरी के एप्लीकेंट्स के लिए 90 मार्क्स चाहिए 150 में से, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 82 मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद देखिए ये मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है, टॉपर्स के मार्क्स जितने आए हैं उससे लिस्ट डाउन होती है, तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं ये जनरल एंड ओबीसी के लिए 90 एंड एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए 82 मार्क्स, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए अब इसके बाद
आवश्यक सूचना लिखिए आपके लिए कि आप कितने समय पूर्व एग्ज़ाम के लिए वहाँ पर उपस्थित हो सेंटर में, तो 1.5 घंटा पूर्व उपस्थित होना है। ध्यान रखिए COVID-19 के कारण कॉल लेटर में दिए गए समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। किससे मतलब देखिए, जो वहाँ पर आपका एग्ज़ाम का टाइम आपको आएगा एडमिट कार्ड में, वो टाइम पर आपके लिए उपस्थित होना है। 1.5 घंटा पूर्व परीक्षा होने के समय के 1.5 घंटे पूर्व आपको टाइम दिया जाएगा उपस्थित होने का, क्योंकि देखिए वहाँ पर थोड़ा सा अभी ये प्रिकॉशंस बरती जाएंगे सैनिटाइजेशन वाला और आपका सोशल डिस्टेंसिंग, तो ये थोड़ा सा इसमें टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, तो हमें टाइम से पहले ही पहुँचना है, 1.5 घंटे पहले का बोला गया है। चलिए, बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन, फ़ोटो खींचकर उसका मिलान, परीक्षा फॉर्म में दिए गए फ़ोटो से होने के बाद आवेदक होने की पुष्टि पर ही परीक्षा में बैठने दिया जाएगा, तो ये ठीक है, जनरल चीज़ें हैं, पिछले नोटिफिकेशन में भी ये थी। अच्छा, अब इसके बाद अनुचित साधन वाली बात है। देखिए तो अनुचित साधन हमें किसी तरीके के यूज़ नहीं करना, इम्पर्सोनेशन नहीं करना, अदरवाइज डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कोई कंप्यूटर जैसे मोबाइल है, ये सारी चीज़ें कोई मतलब यूज़ नहीं करना है कुछ भी। ये सब लास्ट जो वीडियो जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिटेल दे रहा हूँ, लिंक दे रहा हूँ, आपको उसमें मिलेगा। अब मुख्य परीक्षा देखिए 400 मार्क्स का रहेगा, तो ये भी डिटेल पूरा पिछले जैसा ही है, पिछले नोटिफिकेशन जैसा ही, पिछले एडवर्टाइजमेंट जैसा है, कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। देखिए आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं कि फर्स्ट पेपर में क्या रहेगा, ये मैं वीडियो रोक देता हूँ थोड़ा। देखिए फर्स्ट पेपर में, सेकेंड पेपर में, और उसके बाद थर्ड पेपर एंड देन फोर्थ पेपर, चार पेपर रहेंगे आप के, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सब्जेक्ट्स और उनके कितने मार्क्स का आएगा ये इसमें बताया गया है, जो उस वीडियो में आपको क्लियरली मिलेगा। इस वीडियो को मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूं, देखिए ये। अब इसके बाद मुख्य परीक्षा का परिणाम, तो देखिए आपके अनारक्षित वर्ग एवं ओबीसी के कैटेगरी के एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए 50% मार्क्स मेंस के लिए, और रिमेनिंग एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए 45% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आवश्यक है। अदरवाइज देखिए वो तो कट ऑफ आपका मेरिट लिस्ट से ही डिसाइड होगा। उसके बाद मुख्य परीक्षा में के बाद देखिए न्यूनतम अंक प्राप्त करने वालों में से श्रेणीवार विज्ञापित पदों की संख्या की अधिकतम 3 गुना हो सकती है, ठीक है। चलिए, मेरिट में समान अंक प्राप्त आवेदकों को शामिल करते हुए साक्षात्कार में सम्मिलित के लिए चयनित किए जाएंगे 3 गुना, मतलब जो आपके मेंस में जितने सेलेक्ट हुए हैं वो आपके इंटरव्यू के लिए 3 टाइम्स कैंडिडेट्स कॉल किए जाते हैं। बस यही इसमें लिखा, देखिए इंटरव्यू वाली प्रोसीजर दी गई है, 50 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा और इसमें आपके लिए 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब इतने तो आना ही चाहिए, मीन्स आपके 20 नंबर लाना 50 में से अनिवार्य है। अंतिम चयन का आधार देखिए वही मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंक एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर मेरिट से किया जाएगा, ठीक है। और यदि आप देखिए इंटरव्यू में उपस्थित नहीं होते तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब ये परीक्षा संबंधी अन्य डायरेक्शंस जो दिए गए हैं आपके, ये पूरे एज इट इज़ वही है, कोई भी चेंज नहीं है, जो पिछले एडवर्टाइजमेंट में था सेम टू सेम वही है। और देखिए ये अब आप समझ जाइए कि अब आपके पास टाइम बचा नहीं है ज़्यादा, स्टूडेंट्स सेप्टेम्बर तो चल ही रहा है और अभी नवम्बर 12 नवम्बर तक देखिए करेक्शन के साथ एप्लीकेशन फॉर्म के फिल की डेट है, देखिए करेक्शन हो सकता है उसमें, तो 12 नवंबर के बाद जो डेट हमें मिलेगी मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलिए कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होना है। 3 महीने ही बचे हैं, अच्छे से तैयारी कीजिए। वशिष्ठ प्रो क्लासेस की शुभकामनाएं आपके साथ हैं, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।